कोविंद कानपुर देहात में आ रहे, जहां जनपद के लोगों में खुशी है। आपको बता दें कि वहीं सभी अपने आप को गौरवान्वित मान रहे हैं कि राष्ट्रपति पहले तो कानपुर देहात के रहने वाले हैं और दूसरा कि वे कानपुर देहात आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके परम मित्र पुखराया के सतीश मिश्रा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, जहां राष्ट्रपति जी के आने की अनुभूति कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बिताए पुराने समय को याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति के दोस्त सतीश मिश्रा ने बताया कि वह और रामनाथ कोविंद BNSD कॉलेज में पढ़ते थे, जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। यही हाल DAV कॉलेज में भी रहा। इसके बाद राष्ट्रपति LLB करने लगे और वह पुखराया वापस आ गए। उन्होंने बताया कि 1991 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर की घाटमपुर के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आए थे, इस दौर फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और मुलाकात होने लगी। सतीश मिश्रा ने बताया कि कस्बे के ही एक और मित्र रहे हैं, स्वयं केदार द्विवेदी ने रामनाथ कोविंद को संघ के वीरेश्वर द्विवेदी से मिलवाया था और फिर अशोक सिंह ने उनका संपर्क कराया था। कस्बे के ही एक और मित्र रहे, स्वयं केदार द्विवेदी ने रामनाथ कोविंद को संघ के वीरेश्वर द्विवेदी से मिलवाया था और फिर अशोक सिंह से उनका संपर्क कराया था, जिसके बाद उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती गहरी होने के बाद हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी परिवार के साथ आना जाना रहता है। राष्ट्रपति अपने हर कार्यक्रम में उन्हें जरूर बुलाते हैं। 8 अगस्त 2015 में जब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने, तो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, जिसको लेकर बेहद खुश हैं। आपके और उनके बीच में किस तरीके के रिलेशन, किस तरीके की चीजें चलती थी, उठना बैठना, खाना पीना, किस तरीके का? कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी बेटा। अब आप ये देखिए, प्रेम के पराठे बात उसके जितना बराबर, ऐसा नहीं था कि हमारे टेलीफोन से बात में बराबर थे। गली हो, महीने में एक दो चार बार बात तो हो ही जाती थी। मतलब कोई जब हम लौटे थे वहाँ से, और देखिए जो हमने कुछ किया है बहुत अच्छा है। अमरनाथ यात्रा से हम जब लौटे थे, तब उनकी पत्नी ने थाली लगा दी, खुद गई सामने, हम देख रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है डाइनिंग टेबल पर। हम तक सब लोग बैठे हुए थे, वो गई रोटी सेक के हमको ताकि। तो अब बेटा बताओ, वो बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत सिंपल खाना उनको पसंद, बहुत सिंपल खाना, और सिंपल खाना हमें भी स्पाइसी नहीं। और बहुत अरसे से हम जैसे खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत अरसे से सालों हो गए। कोई ऐसी चीज़ जो उनकी फेवरेट रही हो, जो सिंपल क्योंकि साथ है, वाइल्ड वेज है, बस वही उनका है। हल्का सा उसमें नमक वो बस, बाकी स्पाइसी तो अच्छी नहीं लगता, और खैर हम भी नहीं होते। अब क्या बताया, सॉरी यार, हम मिल नहीं पाए आपसे। भाई आप देखी है कि नहीं, और कोई यहाँ आदमी क्या बताए। उन्होंने भी देख लिया, हमने भी आँखों से कि वो है, काफ़ी डिस्टेंस है। रात में 10 बजे उनका फ़ोन आया मेरे पास, रात में 10 बजे। तो सतीश जी यार, मैं बड़ा उलझन में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ आपसे। मुलाकात नहीं हो पाई यार, हम वहाँ कई बार कोशिश की और हम मिल नहीं पाए आपसे यार, हम क्या करें क्या भैया। अरे भैया रात में 10 बजे ना हो भाई, हमको सुनने दो प्लीज़ यार, ऐसा ना करो। हमने खुद बना कल यार, हम यही थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप उसको अदरवाइज ले लें, उनकी अदरवाइज का एक लेंगे यार। ऐसा करो नहीं, हम आदमी मजबूरी समझते हैं, फिर आपका अपना पता है, रात में 10 बजे आप आएंगे, मतलब मैं अच्छा नहीं लगता यार, है कि नहीं? वो अच्छा नहीं लगता इसीलिए कि आप 10 बजे रात में। जो जो बहुत बड़ी बात है, अगर आप उसकी ग्रेविटी समझें, तो जिस दिन ओत थी, जिस दिन बेटा ओत थी ना, राष्ट्रपति की ओत थी, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो और ओत में तो बेटा इतनी भीड़, इतना अच्छा। फिर पहला दिन इधर वो थी, शाम दोपहर में थोड़ा वही उन्होंने थोड़ा जो इनके गेस्ट थे सबके, उनके रिश्तेदार, हम सब लोग उसमें खाना वाना तक तब तक उनसे वो आए ज़रूर, लेकिन किसी से मिल नहीं पाए थे किसी से।
क्योंकि वो बड़ा हॉट पॉस था थोड़ा सा। फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई नहीं उस दिन, उस दिन जिस दिन होती उस दिन मुलाकात नहीं हुई, बस हम लोग गए यहाँ बैठे। ये बड़ी जिम्मेदारी पद होती है, देखिए भले ही मैं समझ रहा हूँ, हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ सारा पावर। तो हम लड़के साथ होते हैं, 91 में जब पाड़िया पार्लियामेंट में जब इलेक्शन लड़ रही है 91 में लड़े थे, जब घाटमपुर सीट से है ना, तो 91 से जो उस समय केदार जी नहीं थे दुबे, केदार जी नहीं, हाँ वो इनको उनके भाई एक थे वीरेश्वर, वो भी हैं बड़े भाई, वो संघ से जुड़े हुए हैं दिल्ली में भी हैं वो काफ़ी। कभी नोट ने बताया विधायक ने कि अभी उनका काम चल रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं हुई है, तो हमने चलो कोई बात नहीं, हम बोलते एकदम वापस कर देंगे उन्हें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।